नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं स्टार इंफोटेक सीएनसी। दोस्तों, आज की सीरीज में हम देखेंगे सीएनसी राउटर किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले हम सीएनसी राउटर कैसा दिखता है या सीएनसी राउटर में क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सीएनसी राउटर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इसमें स्पिंडल है और ये जो बेड है इसके ऊपर हम लकड़ी या स्टोन या MDF या प्लास्टिक का कुछ जो है वो यहाँ पे रख के उसके ऊपर CNC मशीन के मतलब जो स्पिंडल है उसके हिसाब से उसको डिजाइन करके पूरा कटिंग करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका कंट्रोलर है, इसे DSP बोलते हैं। ये DSP से क्या होता है, CNC राउटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो CNC राउटर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम CNC को ऑन करना पड़ेगा। जैसे CNC ऑन हो जाता है हम पेन ड्राइव से अपना प्रोग्राम लोड करके CNC राउटर पे छोड़ देते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसका कंट्रोलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और जब जॉब चलता है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो लाइट CNC राउटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रहता है जो मेरे हाथ में आपको दिखा रहा है, NP105 है, जिससे हम CNC राउटर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस रहते हैं, तीन एक्सिस रहते हैं जिसके हिसाब से हम जॉब सेटिंग करते हैं। ये जॉब का पूरा सेटिंग किया हुआ है यहाँ पे, रूटर पे अभी कर्विंग करने वाले। तो CNC राउटर आपको कंट्रोल करके आगे दिखा देते हैं हम। ये जो हो रहा है वो वाई एक्सिस है, प्लस और माइनस। ये अभी एक्स एक्सिस को मूवमेंट कर रहा है, प्लस और माइनस। और ये जो नीचे आ रहा है ये जेड एक्सिस है, ऊपर जाने के लिए इसको प्लस में दबाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको ऑफसेट लेते हैं और जॉब सेट कर देते हैं। तो स्पिंडल है अभी, ये वर्क रेफरेंस के लिए लिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी जैसे हम टूल को कॉल करेंगे एक नंबर का तो मशीन जॉब पे आके रुक जाएगा। ये देखिए जहां हमने ऑफसेट लिया है उस पॉइंट के ऊपर 125 mm पे मशीन जाके रुकेगा। यहाँ पे देखिए, तो इससे पहले हम एक बार हवा में जॉब छोड़ के देखते हैं ताकि कोई सेटिंग लगाते वक्त गलती ना हो, इसीलिए स्लो स्पीड करके हम मशीन पे छोड़ देते हैं। जेड एक्सिस ज्यादा लेने से जॉब का जो पहला पॉइंट आता है वो इस तरीके से वर्क होता है। आपको ये पूरा वीडियो मैं टाइम लैप में दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हमने ड्राइंग लिया, वो ड्राइंग लेके हम आर्ट कैम्प में उसका डिज़ाइन बनाया, उसका 2D टूल पाथ भी बनाया और वो टूल पाथ टेंडर पे लोड करके हमारे यहाँ पे मशीन जो है CNC राउटर का उसमें लगा दिया। अभी हमने XY और Z जो ऑफसेट है वो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ टूल हल्का सा जॉब को टच किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम प्रोग्राम रन करेंगे जो कंट्रोल पैनल पे USB के थ्रू दिया हुआ है। दोस्तों अगर दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। स्टार इन्फोटेक CNC में हर महीने में CNC ट्रेनिंग की बैच होती है जिसमें लगभग 1 महीने का कोर्स रहता है। अगर आप CNC का ट्रेनिंग करना चाहते हो तो 1 महीने का कोर्स करने के लिए आप एडमिशन कर सकते हो। इसका 10 जून से नया बैच चालू होने वाला है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही में जॉब प्लस ट्रेनिंग का हमारा कोर्स चालू होने वाला है जो 2 महीने का है। जो बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पेमेंट की कमी है वो जॉब प्लस ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और 2 महीने का ट्रेनिंग दिया भी जाएगा। चाहे तो बच्चे इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ CNC राउटर का अभी नया बैच चालू होने वाला है जिसमें हम ऑटोकैड, आर्टकैम और कोरल ड्रॉ के जो डिज़ाइन है वो बनाने में सिखाएंगे। CNC राउटर में एक्चुअली होता क्या है कि जो लकड़ी होती है या ग्लास या CNC प्लाज्मा, ये जो डिज़ाइन बनते हैं सब आर्टकैम सॉफ्टवेयर में और बाकी के जो सॉफ्टवेयर है उनके जो सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है इनमें बना देते हैं हम। तो किस तरीके से हम बनाते हैं इसका पूरा ट्रेनिंग 1 महीने में दिया जाएगा। 4 महीने से इसकी बैच चालू होने वाले। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा और साथ ही में आपको मशीन चला के कुछ छोटा मोटा जो जरूरी जानकारी बेसिक वो पूरी जानकारी दे के आपको मैं CNC राउटर किस तरीके से वर्क होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। एक्चुअली CNC राउटर पे वुड कर्विंग सबसे अच्छा और माइक्रोन में होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाए हुए वुड पे या कर्विंग पे या ग्लास पे या सीट मेटल या कहीं दूसरे MDF पे भी अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाओगे तो वो सबसे अच्छा और सुंदर बनेगा। उसमें साथ में आप 2D या 3D पे किस तरीके से बनाना है इसका पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप अगली जो सीरीज आने वाली है इसमें आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही
अगर आप हमारे यहाँ पे सीएनसी राउटर का लाइव ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे 4 महीने की जो बैच है इसमें आप एडमिशन कर सकते हो। ये भी 1 महीने की बैच है, अभी इसकी लगभग 25,000 तक की है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर कुछ दिन के लिए चालू है, तो आप डिस्काउंट पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूरी डिटेल्स और जानकारी व्हाट्सएप पर भी आप प्राप्त कर सकते हो।